वहीं राजनांदगांव जिले में एसपी डी श्रवण के दिशा निर्देश में लगातार अवैध शराब तस्करों पर कार्रवाई जारी है, जिसमें जिले के अलग अलग थानों को लगातार कामयाबी भी हासिल हो रही है। इसी क्रम में डोंगरगढ़ थाना प्रभारी अलेक्जेंडर कीरो को मुखबिर से सूचना मिली कि दो मोटरसाइकिल में महाराष्ट्र निर्मित शराब अवैध रूप से परिवहन डोंगरगढ़ की ओर जा रहे हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की गई और चार शराब तस्करों को 6 पेट महाराष्ट्र निर्मित संतरी और 2 बाइक सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। पकड़े गए चारों आरोपी गोंदिया महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की बाहर प्रदेश से शराब मत आए, इसी चक्कर में हमने कई जगह हमारे चेकिंग पॉइंट लगा था। कल हमें ये सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिल में गोंदिया के कुछ लड़के शराब लेके आ रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीम ने वहाँ अछोली के पास दबिश दिया, जिसमें एक में अतुल बोपचे पिता लक्ष्मण बोपचे और दूसरा रजनीश यादव पिता माखनलाल यादव, ये दोनों गोंदिया के रहने वाले हैं। और दूसरा एक प्रकरण है जिसमें कैलाश यादव और राहुल यादव, ये दोनों डोंगर तालाब छोटा गोंदिया थाना कोतवाली जिला गोंदिया के रहने वाले हैं। इनके पास एक करीब 3-3 पेटी शराब हमने जब्त किया, वो अपने उनका मोटरसाइकिल भी हमने जब्त कर कब्जे में लिया है।